हल निकले। मैं हमेशा बोलता हूँ हल का हल निकलना बड़ा ज़रूरी है, और इसका हल निकले जो भी उन लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मांगों को सुना जाए, सरकार की भी जो तरफा है उसको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है। लोग ही बात करते हैं जब देश भर में या दुनिया भर में कुछ भी चीज़ होती, तो हम भी उनके बारे में ओपिनियन देते हैं। देखिए, अभी जो है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि जो भी है एक हल निकले। मैं हमेशा बोलता हूँ हल का हल निकलना बड़ा ज़रूरी है, और इसका हल निकले जो भी उन लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मांगों को सुना जाए, सरकार की भी जो तरफा है उसको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी उनके लिए अच्छा ही चाहेगी। पर मुझे लगता है कहीं बैठ कर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं इतने महीनों से, इतने लोगों की जाने गई हैं, उसके लिए कम से कम हमें इन लोगों के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक इंडिविजुअल ओपिनियन है उनका, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम लोग ही बात करते हैं जब देश भर में या दुनिया भर में कुछ भी चीज़ होती, तो हम भी उनके बारे में ओपिनियन देते हैं। सो आई थिंक ओपिनियन है तो हमें जो हमारे देश के लिए अच्छा है हमें उसको करके करना चाहिए, ताकि हम लोग लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करें कि हमारा हिंदुस्तान देश हमेशा भी, जब भी कुछ मुश्किलें हुई हैं, मिलजुल कर हम लोगों ने इसको मुश्किलों से निकाला है। आई थिंक वही मैसेज देना ज़रूरी है। भैया, मैं आई एम नो मसीहा, जो बुक है मैं मसीहा नहीं हूँ, वो मेरी एक जर्नी है, पंजाब से मोगा से शुरू होते हुए आज जो कोरोना काल में मैं काम कर पाया, उस सब को देखकर। और यही कहूँगा कि ये बुक बड़ी इंस्पायरिंग है, लोगों को इंस्पायर करेगी, और होपफुली जो भी लोग पढ़ेंगे उन्हें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा।